समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल किसका होगा और कौन करेगा साइकिल की सवारी, ये जानने के लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज दिन भर चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया है। इससे पहले आज चुनाव आयोग में दिन भर गहमा गहमी रही। मुलायम और अखिलेश गुट ने करीब 5.5 घंटे चली सुनवाई के दौरान अपना अपना पक्ष रखा। अखिलेश की तरफ से कपिल सिब्बल ने विधायकों और सांसदों के समर्थन का दावा किया। सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि वो चुनाव चिन्ह पर जल्द अपना फैसला सुनाएगा। इधर पार्टी पर कब्जे को लेकर मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव आयोग में अपना कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और अगर कोई मतभेद है तो उसे वो जल्द ही दूर कर लेंगे। मुलायम ने ये भी कहा कि चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर भी पार्टी में दो राय नहीं है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने 1 जनवरी को बुलाए गए अधिवेशन को असंवैधानिक बताया, साथ ही अधिवेशन में लिए गए फैसलों को भी असंवैधानिक करार दिया। इससे पहले साइकिल पर दावेदारी को लेकर मुलायम ने आज खुद चुनाव आयोग पहुंचकर अपना पक्ष रखा था। इस दौरान मुलायम के साथ अंबिका चौधरी और शिवपाल यादव चुनाव आयोग के दफ्तर में मौजूद थे। वहीं अखिलेश गुट से रामगोपाल यादव, किरणमय नंदा, अक्षय यादव ने चुनाव आयोग जाकर अपना पक्ष रखा था। वहीं इस बीच खबरें ये भी है कि अगर चुनाव चिन्ह साइकिल फ्रीज हो जाता है तो मुलायम गुट लोक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकता है, जबकि अखिलेश मोटरसाइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज दोनों पक्षों ने चुनाव आयोग के सामने अपने पक्ष रखे। करीब 5.5 घंटे तक आयोग में सुनवाई हुई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख दिया। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग 17 जनवरी से पहले इस विवाद पर कोई फैसला सुना सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को होना है और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत 17 जनवरी से होगी। देखते रहिए डीबी लाइव।